पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग रुधिर में बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के जिगर यानी यकृत को प्रभावित करता है। वायरल प्रकार का रोगजनक जलजनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाले संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित थे। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का होने के कारण वेरियोला वायरस है। चेचक रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। खसरा रोग का कारक विषाणु होता है। रेबीज जानवरों द्वारा एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। H1N1 विषाणु द्वारा फैलता है। H5H1 ब्लड फ्लू कहा जाता है जिसे एवियन फ्लूड वायरस भी कहते हैं। जापानी इनसेफेलाइटिस का कारक विषाणु होता है। जीका वायरस मच्छर के द्वारा मनुष्यों में संचारित होते हैं। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात टीका यानी जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर होता है। जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग वाले भाग को ग्रसित करता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन किया जाता है। इबोला मतलब पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। एथलीट फुट नामक बीमारी त्वचा से उत्पन्न होता है। त्वचा का प्रदाह रोग कवक के कारण होता है। रिगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होती है। दांत की बीमारी फंगल के कारण होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। शरीर के अग्नाशय अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। इंसुलिन मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार F.G. बेंटिंग ने किया था। कैंसर से ऊतकों की जांच के लिए बायोपसी की जाती है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे अबूर्द विशेषज्ञ यानी ट्यूमर विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए।